India embraces digitization, an address by the Honorable Minister for Information and Broadcasting. नमस्कार, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन के सभी सदस्यों को मेरी ओर से दीपावली की, धनतेरस की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। 55 से ज़्यादा सदस्य, और चाहे रीजनल हो या नेशनल हो, एक बहुत बड़ी भूमिका देश में निभा रहे हैं, और किसी भी लोकतंत्र के लिए वहाँ का मीडिया एक बहुत बड़ा एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से सही खबर सही समय पर जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाता है। और जैसा मैं जानता हूं, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन ने ना केवल खबर पहुंचाने का काम किया है, आपके सदस्यों ने जन जन तक सही खबर भी सही समय तक पहुंचाई है। और आज मैं आप सबको धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि आप सब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं और इस लोकतंत्र को और मजबूत करने में मदद करेंगे। जन योजनाएं जो हैं हमारी, जनता के लाभ के लिए उनको आप जन जन तक पहुंचाते हैं। और यही नहीं, जहां पर चुनौतियां हैं, जहां पर सरकार को घेरने का काम है या जगाने का काम है, आप वहां भी पीछे नहीं रहते। एक सजग प्रहरी के रूप में आप लोग काम कर रहे हैं, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं रह पाया। मैंने अर्णब गोस्वामी जी से कहा था कि मैं आपके सभी सदस्यों से मिलना चाहूंगा, लेकिन हिमाचल में चुनाव है और आज नामांकन में मुझे 5 स्थानों पर रहना था, मैं नहीं आ पाया। लेकिन जब भी आपकी भविष्य में बैठक होगी, मैं उसका हिस्सा बनना चाहूंगा। 2 बातें मैं यहां पर रखना चाहता हूं कि इंफोडेमिक, ये पैंडेमिक के समय कहा गया, और ये भारत ने दुनिया भर में एक बड़ी चुनौती के रूप में देखने को मिला कि सही खबर की बजाय एक फैब्रिकेटेड खबर के कारण लोगों की जानें तक चली गई। ये दुष्प्रचार जो है, ये सरकार को ही नहीं समाज को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। मैं आशा करता हूं आप इन फैब्रिकेटेड और फेक न्यूज पर रोक लगाएंगे, और जैसे PIB फैक्ट चेक करता है कि फर्जी खबर पर हम लोगों को जानकारी भी देते हैं और आगे भी देंगे। अगर फर्जी खबर को आप भी रोक लगाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सरकार की ओर से अगर आपको कुछ भी चाहिए हो, हम वो करने का प्रयास करेंगे। सेवा ब्रॉडकास्ट पोर्टल की अगर मैं बात करूं, अब ऑनलाइन ही आपको सब कुछ जानकारी भी मिलती है, आप एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं, आप किसी को दफ्तर आने की जरूरत नहीं। हमने इसको सरल और सुलभ करने का काम किया है। टेक्नोलॉजी पर हमने नए नए कदम उठाए हैं। मैं आपके सुझाव आमंत्रित करता हूं, क्या और बदलाव आप हमारी पॉलिसीज में, नीतियों में देखना चाहते हो? भारत कॉन्टेंट का हब कैसे बने, न्यूज का हब कैसे बने, और भारत जहां अन्य क्षेत्रों में एक लीडर के रूप में उभर रहा है, इस नए भारत में मेरे मीडिया के भाई ब्रॉडकास्टर्स भारत को एक लीडिंग रोल में कैसे ला सकते हैं? कृपया करके आप अपने सुझाव भी दें, और आइए इकट्ठे मिलकर भारत को इस क्षेत्र में भी लीडर बनाएं। टेक्नोलॉजी हो, सॉफ्टवेयर हो, प्रेजेंटर हो, न्यूज रिपोर्टर हो, या आपकी तरह मीडिया ऑनर्स हो, आइए भारत को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में न्यूज ब्रॉडकास्टिंग में अव्वल दर्जे पर पहुंचाए। आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे भी, तब के लिए शुभकामनाएं, दीपावली की बहुत बहुत बधाई। ऑन टू आवर नेक्स्ट सेशन देन, फ्यूचर ऑफ न्यूज, न्यूज बियॉन्ड लुचिंस। एज इंडियन मीडिया पोजिशंस इटसेल्फ एज एन इक्वल इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, इट्स इंपॉर्टेंट टू सेल्फ रिफ्लेक्ट, बी ओपन टू एक्सटर्नल स्क्रूटनी, and ask itself if it is taking all the stakeholders along in the journey. Now, the big question that the media needs to implore is whether or not it has done justice to mirror the aspirations of India beyond the 8 mega metro cities. Now, is there a narrative that caters and echoes the walls of the Lutyens circle, or is it investing in the editorial beyond the big cities of the country? Absolutely, that certainly is the big question that we must ask, and it's time for editorials to set agendas. It's time for editorials and editorial teams cutting across the various gamuts of the media to invest in editorials beyond big cities. It's time for them to serve the news for the viewer at large, wherever they may be. Reimagining news is the need of the hour, with a pan-India view.
on issues that make a difference to the public at large. That certainly is the need of the hour, Krishna. And to discuss this, we do have a very, very special panel with us today. Absolutely. In fact, I will request our teams to also bring Rajya Sabha Member of Parliament and BJP senior leader who has